हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद अब मिस्टर गौतम अदानी पे एक नया एलिगेशन आया है फ्रॉम यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। तो ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है और उनका ये कहना है दैट ही एंगेज्ड इन अ ब्राइबरी स्कीम। उन्होंने और उनके लोगों ने मिलकर कल्यूट किया है, एक ब्राइबरी स्कीम बनाई यूएस में ताकि वो इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ब्राइब कर सके फॉर सिक्योरिंग सम कॉन्ट्रैक्ट्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गौतम अदानी इंडियन सिटीजन है और इंडियन ऑफिशियल है जो कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू ब्राइब, तो यूएस का यहाँ पर जूरिस्डिक्शन क्या है। एंड बीइंग अ लीगल चैनल, हम यही डाउट सॉल्व करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या रीजन है कि यूएस इस चीज में इंटरफेयर कर रहा है, व्हाट लॉ अलाउज देम टू डू सो, और इस पर्टिकुलर केस का थोड़ा बैकग्राउंड भी हम आपको देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये रिपोर्ट जो है इंडाइटमेंट रिपोर्ट, ये 54 पेज रिपोर्ट है एंड इसका ब्रीफ हम आपको देने की कोशिश करेंगे एंड वी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द लीगल फ्रेमवर्क बिहाइंड इट। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। हाई गाइज, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। तो सबसे पहले अगर हम वहां के कोर्ट्स की बात करें, वहां के लीगल प्रोसेस की बात करें, यहां पर जो केस है, यहाँ पर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस क्या है, जिस तरह से यहाँ पर होम मिनिस्ट्री है ऐसे वहां पर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास पावर है। दे आर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो जो फेडरल लॉज है वहां पर उन्हें उनका इन्फोर्समेंट सीख कर सके और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस चेक कर सके। तो उन्होंने और यूएस सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, जैसे यहाँ पर सेबी है, ऐसे वहां के जो सिक्योरिटी रेगुलेटर है, इन दोनों की तरफ से मिलके क्रिमिनल इंडाइटमेंट इशू किया है मिस्टर अदानी एंड कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं, जैसे उनके नेफ्यू सागर अदानी इन्वॉल्व है एंड और कुछ अदर ऑफिशियल्स हैं, कुछ कुछ के नाम है, कुछ के नहीं है, कुछ लोग उनसे रिलेटेड हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के नाम डिस्क्लोज नहीं करे गए हैं। तो इनके ऊपर ये चार्जेस लगाए गए हैं और साथ साथ सिविल सूट भी फाइल किया गया है यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अब यूएस में किस तरह से लॉ चलता है, जैसे वहां पर वर्ड है इंडाइटमेंट, यहाँ पर हम उसको चार्जशीट बोलते हैं। सो उनका लॉ ये कहता है कि ग्रैंड जूरी इवैल्यूएशन होता है पहले, जहां पर बेसिकली अ ग्रुप ऑफ पर्संस दे सिट इन कॉन्फिडेंशियलिटी और किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई केस जो है उसकी जो एलिगेशंस है उसमें डेल्व करते हैं, उस पर इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो प्रोसिक्यूटर उनके पास लेके आता है उसको एग्जामिन करते हैं एंड इफ दे फील कि हाँ एक रीजनेबल सस्पिशन अराइज होता है, एक प्रॉपर केस किसी पार्टी में बनता है, तो वो एक इंडाइटमेंट इशू करते हैं। जैसे इंडिया में होता है कि पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट जो है वो प्रेजेंट करता है, ऐसे ही ग्रैंड जूरी इवेल्युएट करके एक इंडाइटमेंट देती है जहां पर उनके जो चार्जेस होते हैं उन्हें वो काउंट्स बोलते हैं, वो लिस्ट किए जाते हैं। अब ये जो चार्जेस हैं, ये अक्यूज, जो भी अक्यूज है उसको समन करके प्रेजेंट किए जाते हैं, उनको बताए जाते हैं, उनकी तरफ पढ़े जाते हैं, दीज आर रेड आउट टू देम एंड अक्यूज के ऊपर ये चॉइस होती है कि या तो वो प्लीड गिल्टी कर ले या फिर वो उसे कॉन्टेस्ट करे। अगर वो उसे कॉन्टेस्ट करेगा तो केस ट्रायल में जाएगा। प्लीड गिल्टी में जो केस है वो कोर्ट के सामने लीगल प्रोसेस जो प्रॉपर फॉलो होता है वो कॉम्प्लिकेशन से बच जाता है एंड ट्रायल में फिर क्या होता है, प्रॉपर कोर्ट के सामने प्रोसीडिंग्स होती है, सुनवाई होती है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, पिटिशंस फाइल होती हैं, केस बाद में अपील में भी जाता है। तो ये सब चीजें चलती हैं जिस तरह से आप इंडियन लॉ में इस चीज को समझते हो। सो अब यहाँ पर फैक्ट्स क्या इन्वॉल्व है, बेसिक फैक्ट्स मैं आपको बताती हूँ, वी विल नॉट गेट इन टू मेनी डिटेल्स। जो बेसिक सब्जेक्ट फैक्ट्स हैं वहां पर ये हैं, मैं यहाँ पर उन्हें अदानी ग्रुप की तरफ के नाम से रेफर कर रही हूँ। सो इसमें इन्वॉल्व है मिस्टर गौतम अदानी, उनके नेफ्यू, देर आर अदर नेफ्यूज ऑल्सो बट वन पर्टिकुलर नेफ्यू ऑफ हिज इज इन्वॉल्व इन दिस केस एंड और कुछ लोग हैं जो उनकी कंपनीज में इधर उधर सीईओ वगैरह रह चुके हैं, सब्सिडरीज में इन्वॉल्व है। और एक और ग्रुप है अज्योर पावर करके, जो यूएस में जिसके ऑपरेशन सेट हैं, इनकी कंपनी है जो अगेन पावर सप्लाई से डील करती है। तो अब ये दोनों जो ग्रुप्स हैं ये एंटर करते हैं इनटू अ मैन्युफैक्चरिंग लिंक टेंडर विद SECI। SECI क्या है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो यानी ये इंडियन एजेंसी है, इंडियन इंस्ट्रूमेंटेलिटी है, ये एक PSU है। सो किस तरह से पावर में काम चलता है कि मैन्युफैक्चरर एक होता है, फिर बीच की एक मिडिल एजेंसी होती है और फिर होती है स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स होते हैं जिनके थ्रू हमारे घर में बिजली आती है। सो दे आर द डिस्ट्रीब्यूटर्स, देयर इज अ मैन्युफैक्चरर और बीच में इंटरमीडियरी है। SECI जो है वो ये इंटरमीडियरी है जो मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर्स को कनेक्ट करता है। तो अब इनके बीच में ये जो टेंडर आया, यहाँ पर SECI और अदानी ग्रुप और अज्योर के बीच में अग्रीमेंट होता है कि 8 गीगावाट्स अदानी सप्लाई करेंगे और अज्योर 4 गीगावाट सप्लाई करेंगे, तो टोटल 12 गीगावाट्स ऑफ पावर विल बी सप्लाइड
टू एसीसीआई, एसीसीआई इनसे परचेज करेगा और फिर एसीसीआई इसके रिस्पेक्ट में पावर सेल अग्रीमेंट में एंटर करेगा विद स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। अब क्या होता है कि इसके अंदर जो प्राइस है वो फिक्स्ड है, ये जो इनका कॉन्ट्रैक्ट है इसमें फिक्स प्राइस है, और क्योंकि वो प्राइस हाई है तो एसीसीआई को अब बायर्स नहीं मिल रहे हैं कि वो पीएसए में एंटर कर सके। नाउ बिकॉज इन लोगों की तरफ से काफी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है अदानी और अज़ूर की तरफ से, सो व्हाट दे डू इज, ऐसा अलेज किया गया है इंडिक्टमेंट में कि अपने कॉन्ट्रैक्ट को बचाने के लिए, बिकॉज ये जो डील है इनसे इनका ओवर टू डेकेड्स काफी बिलियन डॉलर्स का फायदा होने वाला है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को बचाने के लिए क्योंकि बायर्स नहीं मिल रहे थे, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इंड्यूस किया और जो स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको, उनके ऑफिसर्स को ब्राइब किया कि वो इस पीएसए में एंटर करें विद एसीसीआई, ताकि वो एक पावर परचेज अग्रीमेंट में एंटर कर सके विद एसीसीआई। ठीक है, तो इनके बीच में पीपीए है और इनके बीच में पीएसए है, तो इसके लिए ये बोला गया कि उन्होंने एक ब्राइबरी स्कीम बनाई। ये बेसिक फैक्ट्स हैं और इसमें स्टेट्स जो इन्वॉल्व हैं उनके क्या नाम है, ओडिशा, जेएनके, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश, ये स्टेट्स यहाँ बोली गई हैं कि इनके ऑफिशियल्स को अप्रोच किया गया और ये बोला गया 2209 करोड़ ऑफ ब्राइबरी वॉज sought to be given under this particular scheme or 1750 crores was given to one official from Andhra Pradesh ताकि वो Andhra Pradesh State Electricity Board को convince करे कि वो 7 gigawatts SECI से purchase करेंगे। So ये basic यहाँ पर facts हैं। अब इसके अलावा कुछ और important facts जो US के jurisdiction पे they have a bearing is the fact कि अदानी group ने जब ये इनका contract फिर sign हो जाता है, ये स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अग्री करते हैं तो क्या होता है कि प्रेस में उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स भी जाते हैं, ये हमने देखा भी था न्यूज़पेपर्स में, अगर आपको याद हो तो बात करी गई थी कि लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो अवार्ड किया गया है अदानी ग्रुप को और ये सब न्यूज़ आइटम्स अवेलेबल थे। सो ये बोला गया कि ब्राइबरी स्कीम के लिए पैसे उठाने के लिए एंड फॉर ऑल द फंडिंग व्हाट दे डिड, ये अलेज किया गया है उस 54-page रिपोर्ट में कि उन्होंने जो यूएस में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे लोन लिए, जो बैंक्स हैं ऐसे से लोन लिए, फर्दर सिक्योरिटीज 144A बॉन्ड्स जो हैं वो रिलीज किए। वो बॉन्ड्स क्या हैं, दीज बॉन्ड्स आर बीइंग अंडररिटन बाय फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स इन यूएस, क्योंकि अदानी ग्रुप जो कंपनीज होती हैं जब वो खुद से फंड रेज के लिए अपने जो वो बॉन्ड्स इशू करना चाहती हैं उसकी पब्लिसिटी मार्केटिंग नहीं कर पाती है, उसके लिए इन्वेस्टर्स नहीं ढूंढ पाती हैं, तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अप्रोच करती हैं कि वो उनके लिए अंडरराइटिंग करें। तो ये इसमें फंड जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं वो इस स्कीम के थ्रू रेज करे गए और फिर इसको ब्राइब के फॉर्म में बांटा गया, ऐसा ये एलिगेशन है। तो अगर हम बात करें 2023 में FBI एक रिपोर्ट वायरल हुई थी, न्यूज में आया था मार्च में कि FBI ने रेड करी है इनके ऑफिसेस पे और जो इनके नेफ्यू हैं सागर अदानी उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिले हैं वो कॉन्फिस्केट कर लिए गए हैं, FBI इज इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द इशू, और जब जो इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं यहाँ पर उन्होंने इनसे क्वेश्चनिंग करी कि क्या ऐसी इन्वेस्टिगेशन चल रही है आपके अगेंस्ट, सो नॉट ओनली दे डिनाइड, दे सेड ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं चल रही है, तो उन्होंने इस बात को छुपाया और झूठ बोला। तो ऐसी एलिगेशन यहाँ पर लगाई गई है यूएस की तरफ से कि ये सब चल रहा था और हमारे इन्वेस्टर्स से भी झूठ बोला गया है। तो इनका जूरिस्डिक्शन कैसे आ रहा है, अब जो ये 5 count एलिगेशन है जो मैंशन है इंडाइटमेंट में, जिसको हम चार्जेस भी बोल सकते हैं, तो ये चार्जेस इनकी तरफ से क्या है, काउंट नंबर 1 इज कॉन्स्पिरेसी टू वायलेट FCPA। FCPA बात करता है फॉरन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट की। तो फॉरन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट अगर आप देखोगे, पहले हम फॉरन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट का मेन सेक्शन जो यहाँ पर डेल्ट हो रहा है उससे उसे पढ़ते हैं, टाइटल 15। ये जो सेक्शन है, अब ये 2 subsections के अंडर है, मैंने इसको दोनों को कंपाइल कर दिया है एक ही डॉक्यूमेंट में ताकि बहुत ज्यादा लंबा ना हो, ये समझाने के लिए कि ये बेसिकली ये जो सेक्शन 78DD है दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 subsections। फर्स्ट सबसेक्शन बात करता है कि जब यूएस इशूअर इन्वॉल्व हो, सेकेंड बात करता है डोमेस्टिक कंसर्न के बारे में, और थर्ड बात करता है जूरिस्डिक्शन इन केसेस ऑफ अदर पर्सन के बारे में। तो यूएस इशूअर बेसिकली क्या होता है, जब कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है इन यूएस तो वो यूएस इशूअर बन जाती है, जैसे कि यहाँ पे अज़ूर ग्रुप क्योंकि वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। डोमेस्टिक कंसर्न मतलब कि कोई भी कंपनी जो यूएस के लॉज के अंडर इनकॉर्पोरेट हुई है, और बाकी फिर थर्ड टाइप की कैटेगरी आती है।
अज्योर ग्रुप सबसेक्शन 1 में फॉल करता है और सबसेक्शन 3 में बाकी के लोग फॉल करते हैं। तो यहाँ पर ये लॉ कहता है कि ये इन सभी के लिए अनलॉफुल होगा, किसके लिए, यूएस इश्यूअर के लिए या फिर कोई भी इंसान, ऑफिसर, एजेंट जो किसी एक पर्सन के बेसिस पे, के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है, किस चीज में एक्ट कर रहा है, यूएस टेरिटरी में बाय मेकिंग करप्टली मेकिंग यूज ऑफ मेल्स, एनी मीन्स, इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ इंटरस्टेट कॉमर्स, इंटरस्टेट कॉमर्स का मतलब हो गया ट्रेड, कॉमर्स, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये मीन्स यूज कर रहा है इन व्हाट फॉर्म, फॉर ऑफरिंग पेमेंट, प्रॉमिस टू पे, ऑथराइज पेमेंट ऑफ एनी मनी और गिफ्ट, प्रॉमिस टू गिव एनीथिंग ऑफ वैल्यू टू एनी फॉरन ऑफिशियल फॉर द पर्पसेस ऑफ व्हाट, इंड्यूसिंग देम, इन्फ्लुएंसिंग देम टू एक्ट, टू गेट अ डिसीजन इन फेवर ऑफ देम, ऑफिशियल कैपेसिटी वो अपनी इस तरह से यूज करें कि उनके लिए कोई डिसीजन आ सके फेवरेबल, या फिर उन्हें इंड्यूस करें कि वो कोई एक्ट करें या ना करें जो उनकी लॉफुल अथॉरिटी में किया जा सकता था, या फिर कोई इम्प्रॉपर एडवांटेज सिक्योर करें, या फिर इंड्यूस कर रहे हैं किसी फॉरन ऑफिशियल को टू इन्फ्लुएंस फॉरन गवर्नमेंट और इंस्ट्रूमेंटैलिटी, जो कि यहाँ पर FCCI है, टू इन्फ्लुएंस एनी डिसीजन बाय द गवर्नमेंट, किस पर्पस के लिए, ताकि इस इंसान को कोई बिजनेस या तो मिल सके या वो किसी बिजनेस को रिटेन कर सके या फिर उन्हें डायरेक्ट करने के लिए किसी इंसान को कि उन्हें ये बिजनेस दिया जाए। सो बेसिकली ये लॉ क्या कह रहा है, जो यहाँ पर एलिगेशन ऊपर लगाया भी गया है, इन्होंने ये बोला है कि जो इशुअर है और जो इनके एजेंट्स हैं, जो ये हमने स्टार्टिंग में देखा अदानी ग्रुप में ये जो लोग इन्वॉल्व हैं, इन्होंने कॉन्स्पिरेसी करी है कि वो एक करप्ट पेमेंट प्रैक्टिस जो प्रोहिबिटेड है, वो यूएस में ऐसी करप्ट पेमेंट प्रैक्टिस चैनलाइज कर रहे हैं, यूएस के मीन्स ट्रेड कॉमर्स और इंटरस्टेट कॉमर्स और मेल वायर वगैरह यूज करके, कि वो ऑफिशियल को जो इंस्ट्रूमेंटैलिटी है FCCI, क्योंकि वो आर्टिकल 12 में फॉल करती है, इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, तो उनको इंड्यूस कर रही है ताकि ये जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो रिटेन रह सके, उसके लिए इन्होंने पूरी ये ब्राइब स्कीम चलाई थ्रू यूएस और उन्हें इन्फ्लुएंस किया जा रहा है टू सिक्योर दिस एडवांटेज। तो ये इनका, इनकी तरफ से फर्स्ट एलिगेशन है। देन सेकेंड, सिक्योरिटीज फ्रॉड कॉन्स्पिरेसी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने लोन और बॉन्ड्स रेज किए थ्रू द इन्वेस्टर्स प्रेजेंट देयर ताकि उनको फंड रेजिंग हो सके, तो यहाँ पर सिक्योरिटीज फ्रॉड कॉन्स्पिरेसी में ये बोल रहे हैं कि इन्होंने कंस्पायर किया है, स्कीम बनाई है फ्रॉडुलेंट इन्वेस्टर्स को डिफ्रॉड करने के लिए, और कैसे एक्ट्स किए हैं, दे आर पासिंग रेजोल्यूशंस की, पहली बात तो सिक्योरिटी 144A वाली जो सिक्योरिटीज है 2021 में जो इशू हुई वो इशू हो सके, फिर उन सिक्योरिटीज को मार्केट किया जा सके, इनकी तरफ से एक रोड शो भी कंडक्ट हुआ था जहां पर इन सिक्योरिटीज को मार्केट किया गया, देन जो ये प्रोसीड्स आ रही हैं इन बॉन्ड्स की तरफ उन्हें यूज किया जा सके, इसको ऑथराइज किया, और प्लस कंप्लायंस सर्टिफिकेट इशू किया इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज बॉन्ड्स। देन फर्दर, वायर फ्रॉड कॉन्स्पिरेसी, जो बेसिकली ये बात कर रहा है कि आपने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया है, ये जो ट्रांजैक्शंस है, ये जो ये दोनों ही जो एलिगेशंस हैं वो बेसिकली ये बोल रही हैं कि आपने फ्रॉड स्कीम्स यूज करी हैं और हमारे इन्वेस्टर्स से, विच इज वाई द ज्यूरिसडिक्शन इज अराइजिंग, कि हमारे इन्वेस्टर्स से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करी है इन द फॉर्म ऑफ सिंडिकेट लोन एंड बैंक्स, हमारी वायर्ड कम्युनिकेशन यूज करी है और फॉल्सली रिप्रेजेंट किया है और फॉल्स प्रोमिसेस के बेसिस पे ये मनी रेज किया है। तो जैसा कि बोला गया था कि जब, जैसे मैंने आपको फैक्ट्स बताए थे कि जब इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा था तो इनकी तरफ से ये कहना था अदानी ग्रुप की तरफ से कि ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन हमारे अगेंस्ट नहीं चल रहा है, जबकि उनको एक फॉर्मल, यहाँ पर ऐसा अलेज किया गया है कि उनको एक फॉर्मल ऑर्डर ऐसा गया था FBI की तरफ से और सर्च वारंट किया था, दे वर एट द प्रेमिसेस, तो कैसे उनको नहीं पता हो सकती ये बात, वो उन्होंने ये झूठ बोला है। देन द फिफ्थ चार्जेस, कॉन्स्पिरेसी टू ऑब्स्ट्रक्ट जस्टिस, कि जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसा फैक्ट्स में ये बात ये भी बोली गई है उस रिपोर्ट में कि इन्होंने प्रॉपर एक्सेल शीट्स प्रिपेयर की, PPTs प्रिपेयर की टू यू नो फिगर आउट कि किस तरह से कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो चला सकते हैं ये लोग और किस किस को कितना पैसा दिया जाएगा, किस स्टेट पे कितना पैसा जाएगा, कौन ऑफिशियल इन्वॉल्व है, और कुछ कोड वर्ड्स यूज किए गए हैं जैसे न्यूमेरो उनो टू रेफर टू मिस्टर गौतम अदानी एंड ऐसे कुछ कोटिंग यूज करी गई है, और इस ये जो एविडेंस है इसको डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश करी गई है, और इसको क्योंकि ये डिस्ट्रॉय ऑल्टर म्यूटिलेशन किया गया है ताकि जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो इन्वेस्टिगेशन है, उसकी इंटेग्रिटी वायलेट हो सके, क्योंकि रिपोर्ट में ये भी बोला गया है कि कुछ लोगों ने ये दिखाने के लिए कि उनकी तरफ कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रहा है या वो मैल प्रैक्टिस में नहीं इन्वॉल्व है, उन्होंने खुद ही एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट किया ताकि
उस पूरे ग्रुप में से कुछ लोग उस स्क्रूटनी से बाहर रह सके और ये जो स्कीम है फॉर ब्राइबिंग इसको अंजाम दे सके। सो ये सब एलिगेशंस, बहुत सीरियस एलिगेशंस लगाई गई हैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में। और मिस्टर गौतम अदानी की तरफ से जो डिफेंस आ रहा है वो उनकी तरफ से यही बोला गया है कि ये जो एलिगेशंस लगाई गई हैं ये बेसलेस हैं और ये डिनाई करी जाती हैं। जैसे इंडिया में लॉ यही है कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। सो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का भी ये कहना है कि ऑब्वियसली प्रोसिक्यूशन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रूव दीज चार्जेस, दीज एलिगेशन। और इनका भी यही कहना है कि जब तक वो प्रूव नहीं हो जाते हैं वी आर इनोसेंट एंड हम सारा जो भी लीगल रिकोर्स हमें अवेलेबल है वो हम लेंगे इन ऑर्डर फॉर दिस केस टू बी सॉर्ट आउट। अब अगर हम बात करें लीगल रिकोर्स की, तो जो इंडिया में रेगुलेटर है, सबसे पहली बात तो सेबी ने इनसे एक्सप्लेनेशन मांगी है रिगार्डिंग दिस इंटैक्ट। आफ्टर ऑब्टेनिंग दिस रिपोर्ट उनसे एक्सप्लेनेशन मांगी गई है। अभी वो उस बात का एक्सप्लेनेशन देंगे कि क्या सच है क्या झूठ है। फर्दर अगर आप ऑपोजिशन देखोगे, उन्होंने जेपीसी की डिमांड करी है कि एक कमेटी बिठाई जाए और उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन किया जाए। वो पॉलिटिकल एंगल अलग है, बिकॉज हम लोग यहाँ पर सिर्फ लीगल एंगल से इन्वॉल्व हैं, तो वी विल नॉट गेट इनटू दैट। एंड फर्दर एक और इशू है एक्सट्रेडिशन ट्रीटी का, जो यहाँ पर आता है इंडिया और यूएस के बीच में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी एग्जिस्ट करती है। एक्सट्रेडिशन में बेसिकली क्या होता है कि जब कोई भी एलिगेशन लगता है किसी नेशनल के अगेंस्ट, तो उसको ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम होम ज्यूरिस्डिक्शन टू अदर ज्यूरिस्डिक्शन जहां पर वो केस चल रहा है। तो एक्सट्रेडिशन क्या यहाँ पर होगा इनका, ताकि जो ट्रायल है वहां पर चल सके। एंड मे आई टेल यू, जो डिफेंस है इनका, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एलिगेशंस डिनाई करी हैं, सो ऑब्वियसली ही हैज सेड दैट ही इज नॉट समनिंग हिमसेल्फ टू बी गिल्टी। तो यहाँ पर ऑब्वियसली ट्रायल कंडक्ट होगा बिकॉज उन्होंने प्लीड गिल्टी नहीं किया है। और उनकी तरफ से ये कहना है कि ये एलिगेशंस जो हैं ये बेसलेस है। तो अब आगे देखना ये रहेगा कि कैसे ये केस अनफोल्ड होता है, क्या सबमिशंस आते हैं टुवर्ड्स सेबी, इंडिया किस तरह से इस मैटर पे प्रोसीड करता है, तभी हम बाद में देखेंगे कि यूएस में क्या हो रहा है। एंड दिस विल हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी एज वेल, बट वी आर नॉट गेटिंग इन टू दोज थिंग्स। एक और एंगल जो आपने शायद न्यूज में सुना होगा, पढ़ा होगा, वो ये भी है, क्योंकि यूएस में रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं एंड प्रेसिडेंट ट्रम्प बोला जाता है कि वो यहाँ पर मेन डिसाइसिव अथॉरिटी रहेंगे, बिकॉज ये जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है दिस फॉल्स विद इन द कैबिनेट ऑफ द प्रेसिडेंट। सो बहुत सारी बातें, अब आप ओवर डिफरेंट जो मंथ्स आएंगे यू विल गेट टू सी, यू गेट टू हियर। आवर पर्पज हियर वॉज कि हम आपका ये अंडरस्टैंडिंग जो है लॉ की, जो लॉ यहाँ पर इन्वॉल्व है, बेसिक फैक्ट्स इन्वॉल्व है, जो एलिगेशंस हैं उन्हें आपके लिए ईज आउट कर सके। ये 54 पेज रिपोर्ट है एंड माय ऑब्जेक्टिव हियर वाज टू सिंप्लीफाई थिंग्स फॉर यू। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये केस क्या है, किस डायरेक्शन में जा रहा है और यूएस का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट कैसे अराइज हो रहा है। अभी ऑब्वियसली सब कुछ एलिगेशन फॉर्म में है, आगे अभी देखना रहेगा कि क्या चीज सच है क्या नहीं है। वो एविडेंस वगैरह जो निकल के आएंगे वो आगे देखने की बातें हैं। बाकी जो भी इंडिया में लीगली चलता है या लीगल इंडस्ट्री से रिलेटेड, आपके लॉ करियर से रिलेटेड, अगर आप लॉ स्टूडेंट हो, ये सभी चीजें हम लोग यहाँ पर अपनी वीडियोस में कवर करते हैं। एंड नॉट जस्ट ऑन यूट्यूब, ऑन आर अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल। अगर आप हमें फॉलो कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप्स में भी आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि क्या चल रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज लीगल अफेयर्स, तो हमारी ये वीडियोस आती रहती हैं। इसकी जानकारी के लिए आप मेक श्योर करें कि आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हो, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर रहे हो। और जो लॉ स्टूडेंट्स हैं जो दे वॉन्ट स्टडी मटीरियल फॉर प्रेपरेशन, अगर आप किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो या हमसे लीगल करियर काउंसलिंग चाहते हो, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.lawdigest.in को रेफर कर सकते हो टू गेट इन टच विद अस। इन द मीनवाइल दिस इज इट। बाकी आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये केस क्या था, मैं आपके लिए उसको अच्छे से समराइज कर पाई हूँ। एंड अपने फीडबैक, अपने कॉमेंट्स मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखें एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।